अभी तुरंत मैं सचिवालय से आ रहा हूँ, माननीय संजय सर से मुलाकात किया हूँ, लंबे समय तक लगभग 10 से 15 मिनट तक उनसे मुलाकात हुई है, सारी बात हुई है। कई मुद्दा को लेके कई अभ्यर्थी लगातार मुझे फोन कर रहे थे, कई लोगों का डिफरेंट तक समस्या था और वो बोल रहे थे कि सर सचिवालय जाएगी, सब जो बातें हैं उसको रखिए, नहीं तो हम चयनित अभ्यर्थी हैं और हमें मुसीबत में फंस जाएंगे। कुछ कुछ जो मांगे थी हम आपको समझाना चाहते हैं। मुख्य जो मांग जो हम लोग लेके गए थे, जो मुख्य जो प्रश्न था वो यह था कि भाई जो चयनित अभ्यर्थी है उनकी जो काउंसलिंग अचानक से नियोजन इकाई द्वारा रद्द कर दिया जाता है या जिला द्वारा रद्द कर दिया जाता है, ये कहीं का उचित नहीं है। हमने सर को संज्ञान में डाला है कि सर सपोज कीजिए कि एक प्रखंड में 100 सीट होता है, 100 सीट पे काउंसलिंग होती है, इसमें 5 अभ्यर्थी धांधली करता है या नियोजन इकाई द्वारा धांधली कराया जाता है, तो 95 अभ्यर्थियों का उम्मीदवारी जो रद्द कर दिया जाता है, ये कहाँ का उचित है। और उसके बाद 10 दिन 15 दिन एक महीना के बाद जो है बहालियाँ रद्द कर दी जाती है नियोजन इकाई द्वारा। तो जो अभ्यर्थी प्रखंड में काउंसलिंग कराया है तो प्रखंड का तो उम्मीदवारी उनका रद्द हो गया, पंचायत का भी काउंसलिंग नहीं करा पाता है, पंचायत का भी उम्मीदवारी उसका रद्द हो गया, और कई अभ्यर्थी जिनका मेरिट बढ़िया है 70, 72, 75 मेरिट है अभी तक सड़कों पे हैं। तो मैंने सर को यह बात समझाने गया था, सारा बात वो सर सुने हैं और उसको लिखे भी हैं और बोले भी हैं। ये तो बहुत पॉइंट की बात है और गंभीर मसला है कि सपोज कीजिए कि एक नियोजन इकाई में 3 बच्चा 5 बच्चा बदमाशी करता है या नियोजन इकाई द्वारा बदमाशी कराया जाता है, तो पूरा को उम्मीदवारी रद्द करना कहाँ का उचित है, और उसके बाद आगे का जो पंचायत में भी उनको मौका नहीं मिलता है। उन्होंने अमरेंद्र सर से अमरेंद्र सर को बोला कि ये जो पॉइंट है इसको नोट कीजिए और ये गंभीर मसला है, और सर ने यह भी हमको बताया कि तब तो एक समय निर्धारित करना पड़ेगा कि प्रखंड, हमने बोला कि सर कम से कम एक ड्यूरेशन तय कर दीजिए, 10 दिन का 5 दिन का 7 दिन का, यदि प्रखंड की काउंसलिंग होती है तो 7 दिन या 10 दिन के अंदर जो भी रद्द करना है रद्द कीजिए, जो भी जांच करना है जांच कीजिए, ट्रांसपेरेंसी। यदि मैं तो यह बोला हूँ कि जो अभ्यर्थी गलती करता है उसको चिन्हित करके उसको वहाँ से उसका उम्मीदवारी को रद्द कीजिए, और चिन्हित करके 10 दिन का ड्यूरेशन रख के उसको NIC पर चढ़वा दीजिए कि ये बिहार के NIC पर चढ़वा दीजिए कि ये ओके हो गया, उसके बाद उस अभ्यर्थी का कभी भी नियोजन इकाई रद्द नहीं होना चाहिए, नियोजन रद्द नहीं होना चाहिए। नीचे वाला को कर दिया गया, जैसे एक अभ्यर्थी सीतामढ़ी से आए हुए थे, वो कह रहे थे कि सर मैं गया था धांधली हो गया, 4 प्रखंड में मैं गया था काउंसलिंग कराने के लिए, चारों जगह धांधली हो गया, बिना मतलब का बात कई अभ्यर्थी करने के लिए आ रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि वो लोग नियोजन को बदनाम करने के लिए पहुंच रहे हैं। कई अभ्यर्थी बाहर भी खड़े थे जो मैं देख रहा था कि भाई बिना मतलब का जो है गलत मैसेज सचिवालय को पहुंचा रहे थे कि नियोजन को रद्द कर दिया जाए, इस तरह का भी कई लोग देखे कि बाहर वैसा भी हरकत किया जा रहा है। तो मैंने सर को भी बताया कि सर कई लोग यहाँ पे ऐसे लोग आए हुए हैं जो गलत तरीके से आपको कन्विंस करते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, और कोई स्पष्ट मैसेज नहीं देते हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं, हम वहाँ गए थे एक जगह काउंसलिंग कराने गए थे तो फलाना व्यक्ति द्वारा फलाना, कोई डेटा नहीं दे दिया जा रहा, बस आगे कह रहा है कि सर धांधली हुई है। तो मैं समझ गया कि ये कौन लोग हैं, और मैंने सर को बताया कि सर यही लोग केस भी किए हुए हैं, आपको पता है कि एक सीटेट एक्ट का केस चल रहा है और कई केस चल रहा है। तो सर ने हंसने लगे और बोले कि मुझे पता है ये सारा कुछ, आप चिंता ना करें, और इस सारे जो चीज़ें हो रही है उस पर हमारा ध्यान है सारा, हम उस पर काम कर रहे हैं। और जो शेड्यूल निकालने की जो बात हुई तो सर ने एक और बात कही कि हो सकता है कि सचिवालय, या मतलब सर ने बोला कि हम विचार कर रहे हैं, हमारा जो कमेटी विचार कर रही है कि सारा सीट पे एक ही बार काउंसलिंग करा लिया जाए। पहले सर का जो डिसीजन था कि बचा हुआ जो दूसरे राउंड की जो 1100 नियोजन इकाई जो बची हुई है सीट, उस पर काउंसलिंग कराने की बात चल रही थी, लेकिन ये जो समस्याएं आ रही है तो सर ने कहा कि जो समस्या का निदान करने के लिए सारे सीट को कैलकुलेट करके एक बार ही काउंसलिंग कराने के लिए भी विचार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एक बार ही सारा कुछ जो है काउंसलिंग का डेट निकले और सारा जो बचा हुआ 1100 नियोजन का एक ठाट फिर सारा मिला के एक बार ही कर लिया जाए, करके इस मामले को लोग चाह रहे कि जल्द से जल्द छट्टा चंद को ख़त्म किया जाए
और जो है इन लोगों को जो चयनित अभ्यर्थी उनको नियुक्ति पद दिया जाए। एक और बात हमने बताया कि सर कई नियोजन इकाई द्वारा सब बक्सर में कई जगह ऐसा हुआ है कि नियोजन इकाई द्वारा सीटेट बीटेट की जांच ही नहीं की गई है और अभ्यर्थी को चयनित कर दिया गया हुआ जब जिला में जा रहा है सर्टिफिकेट तो वहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वहाँ पे उनको चिन्हित किया जा रहा पकड़ा जा रहा है। और जब प्रखंड में जो काउंसलिंग हो रही है वहाँ पे क्या हुआ है कि कई अभ्यर्थी खड़े रह गए हैं और फर्जी अभ्यर्थी जो चयनित हो गए हैं वहाँ पे यदि सीटेट बीटेट की जांच की गई होती तो जो फर्जी अभ्यर्थी वहीं पर उनको और अभ्यर्थी को चयनित कर दिया गया हुआ जब जिला में जा रहा है सर्टिफिकेट तो वहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वहाँ पे उनको चिन्हित किया जा रहा पकड़ा जा रहा है। और जब प्रखंड में जो काउंसलिंग हो रही है वहाँ पे क्या हुआ है कि कई अभ्यर्थी खड़े रह गए हैं और फर्जी अभ्यर्थी जो चयनित हो गए हैं वहाँ पे यदि सीटेट बीटेट की जांच की गई होती तो जो फर्जी अभ्यर्थी वहीं पर उनको हटाया जाता और जो ओरिजिनल अभ्यर्थी हैं जो जेन्युइन अभ्यर्थी उनको लिया जाता। तो कई कई बक्सर जिला ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी व्यक्ति एक भी व्यक्ति कुछ भी कर ले फर्जी सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। एकदम स्पष्ट रूप से सर बोले हैं और बोले हैं कि एक पोर्टल पे सारा कुछ डाला जाएगा डाल के चेक किया जाएगा। और यह भी बोले हैं कि जो अभ्यर्थी जो नंबर को एडिट करके काउंसलिंग करा रहा है उसका सारा औबंधिक मेगा सूची देखा जाएगा फाइनल मेगा सूची देखा जाएगा उसका सारा सर्टिफिकेट देखा जाएगा उसका कितना पे चयन हुआ है मेरिट देखा जाएगा मैट्रिक इंटर में कोई एडिट तो नहीं किया है उस सारा बिंदु पे यहाँ पे सचिवालय में जांच होगी उसके बाद ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है तो बोले कि फर्जी अभ्यर्थी आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो और यह भी कह रहे थे कि जो भी फर्जी अभ्यर्थी है वो उसको यदि चिन्हित हो जाएगा तो सचिवालय में उसका एक रिकॉर्ड रहेगा कि भाई ये अभ्यर्थी सर्टिफिकेट को एडिट किया था तमाम तरह का हरकत किया था उसका आगे भी जेन्युइन भी होगा तो बहाली में उसको पार्टिसिपेट शिक्षक नियोजन में तो आपको उसको मौका नहीं मिलेगा कि वो एक्सेल शीट में उसका भी डाटा बनेगा। और जो भी अभ्यर्थी इस तरह से किया है कर रहा है नियोजन इकाई कर रही है उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। सर स्पष्ट रूप से कहा कि वो FIR छोड़ा नहीं जाएगा उस पर सरकार मुकदमा चलाएगी। तो यह स्पष्ट है कि एक भी व्यक्ति फर्जी नहीं आएगा जो काउंसलिंग यदि कोई करा लिया भी होगा 2%, 5%, 7% तो उसके सर्टिफिकेट की जांच होगी जांच के उपरांत ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। और सर यह भी बोले हैं कि बहुत जल्द ये सारा प्रक्रिया कर रहे हैं 2 से 3 महीने के अंदर मैं समझता हूँ कि सारा जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्लोज करके सभी को नियुक्ति पत्र देंगे। तक तमाम तरह का सकारात्मक बात हुआ और बहुत अच्छा लगा आज सर से मुलाकात हुई तो उन्होंने सारा बात को संज्ञान में लिया और बाई लिखवाया जो जो कंप्लेन था जो जो इशू था उन्होंने लिखा है और बोला है कि अगला जो शेड्यूल निकलेगा उसमें हम लोग और ट्रांसपेरेंसी के साथ बहालियाँ करेंगे और जो है प्रखंड और पंचायत के बीच में गैप रखेंगे और यह प्रयास करेंगे कि जो चयनित अभ्यर्थी है उनका नियोजन कम से कम रद्द हो या न रद्द हो और या जो अभ्यर्थी जो फर्जी किया हो उसको चिन्हित करके उसी पर कार्रवाई